रहेंगे आगे आप। इससे हमारे किसान भाई अच्छा दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, सम्मान बढ़े और सभी हरा वर्ग के काम हो, हमारी ग्यारह बच्चे वो ऋण माफी की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, सबसे महत्वपूर्ण गेहूँ का मूल्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लगातार हमारी चुनावी कवरेज जारी है और लगातार हम लोगों से और नेताओं से बात कर रहे हैं व जनता से बात कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत को जनता तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही लगातार चुनावी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रसार कर रही हैं। इसी चुनावी कड़ी में हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी ने उज्जैन जिले की तहसील तराना से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार से बात की। तो आइए सुनते हैं कि नेताजी के चुनावी मुद्दे क्या होंगे और वो किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में खुद को तैयार करेंगे जीत के लिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तो आइए आपको सुनाते हैं कि महेश परमार ने क्या कहा। और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हमारे साथ उज्जैन तहसील के उज्जैन की तहसील तराना के लोकप्रिय कांग्रेस पद के उम्मीदवार महेश परमार जी है। आइए जानते हैं इनसे क्या आपके मुद्दे रहेंगे। वैसे आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं, आपका चुनाव प्रचार सभी ने देखा है, जब आपको बहुत स्वागत सत्कार किया जा रहा है, क्या लगता है उसका मुद्दे रहेंगे आगे आपके? इससे हमारे किसान भाई अच्छा दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बुजुर्ग माता बहनों को सम्मान बढ़े और सब हरा वर्ग का काम हो, हमारी कमलनाथ जी के जो ग्यारह वचन है वो ऋण माफी की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गेहूँ के मूल्य प्रति क्विंटल 26-23 हज़ार और बिजली का बिल 100 रुपये, कूड़े का बिजली का बिल माफ, इन सब बिंदुओं को जनता तक पहुंचाना और कमलनाथ जी की जो सरकार थी 15 महीने की जो अधूरे काम बचे हुए उनको पूरे करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोरोना काल से आपकी सेवा को सब लोग देखते आ रहे हैं, उसके अलावा भी आप क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उज्जैन जिले में करो वहाँ का लोग का भ्रष्टाचार हुआ किसी मुद्दे को लेकर आप हमेशा तत्पर रहते हैं। काम है हमारा जनता कांग्रेस का, पूरे उज्जैन जिले में आपको बहुत अच्छे से चिरपरिचित नेता है आप। आपको लगता है कितने वोटों से आपकी जीत आई है? ऐतिहासिक जीत होगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ रमेश महेश्वरी जी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम न्यूज से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचा सके।